सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सारे बढ़िया रहेंगे। मैं बढ़िया जरूर रहना। तो मेरे को इधर ऊँट काटने में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। मैं सोच रहा था भाई बाद में लाख सारी ये जो ऊँट काटर है वो खरीदूँ, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर बोलो भाई बोलो, मेरे वो भाई लगता है एकदम, सच बोलूँ तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा सजेशन करता है। तो उसको भाई दिल से भाई थैंक यू, आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा भाई थैंक यू। तो उस भाई ने मेरे को बताया कंक्रीट से आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो। तो मैं उस वाले वीडियो में पूछा था भाई, मेरे पास 2-3 पैकेट इधर कंक्रीट है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं इसको कहाँ पे इस्तेमाल करूँ। तो उस भाई ने मेरे को कमेंट किया था एंड बोला था भाई आप इस चीज़ में कंक्रीट को यूज़ कर सकते हो एंड लग्जरी जो वुड कटर है, तो भाई का ही सजेशन था, तो आप ये खरीद लो जल्द से जल्द, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चलो, ये वाला जो वुड है ये कटिंग करने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन पिछले वाले से भाई बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेरे को इधर सच में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। तो फाइनली इधर मैं सेल करके आ गया था, कुछ अंडा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैं उधर कुछ डॉलर मेरे को मिल गया। एंड इधर देखो यार, 3 हरिन 3 से 4 हरिन मेरे आसपास में घूम रहा था, तो मैं सबको मारा। तो आप इधर देखो यार, 1 2 इधर आपको 2 सामने दिख रहा है ना, एंड सामने इसके सामने देखना, रुको ये वाला कलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये कलेक्ट कर लिए एंड इसको भी कलेक्ट करते हैं। तो ये 2 नंबर वाला है हरिन। हाँ, तो आप इधर देखना आसपास में ही देखना कितना ज़्यादा हरिन हम मारे हैं। ये 2 हो गया एंड सामने देखो 3 हुआ, आपको मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ, 1 2 एंड 3। तो देखो इधर 3 हरिन हो गया ना, आप आगे देखना, मैं उधर और एक हरिन को मारा था, शायद से आगे ही होगा, इसी साइड में जो कार का शॉप है उसके पीछे ही साइड से ऐसा ही कुछ होगा, रुको एक बार देखते हैं। हाँ, तो इधर मेरे को 9 जो मीट पीस होता है वो मेरे को मिल गया था एंड इसी साइड में मैं मारा था एक को, रुको ये देखो। तो जल्द से जल्द मैं इधर कलेक्ट कर लेता हूँ एंड चलो उधर मेरे को किचन भी बनाना है पूरा, आज लग्जरी किचन बनाएंगे। तो ये देखो मैं इधर आ गया हूँ डायरेक्ट एंड इधर आप देख सकते हो यार। तो इसके ऊपर में एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं एंड ये वाला अंडा का भी ये वाला इधर रख देते हैं एंड जो बाल्टी है बाल्टी को रख दूँ? नहीं, एक सेकंड, इसको इधर रखता हूँ एंड बाल्टी को ऊपर ही रख देता हूँ, ऊपर में अच्छा रहेगा ना। हाँ, तो ऊपर में मैं इधर रख दिया। तो मेरे को जल्द से जल्द ये वाले जगह को पूरा साफ करना होगा, क्योंकि साफ नहीं करेंगे तो ये वाला परफेक्ट किचन नहीं बनेगा। तो जल्द से जल्द मैं इस साइड में साफ कर दिया हूँ एंड इस साइड में देखो पूरा खाली हो चुका है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया, मैं स्टोर में गया था एंड ऑटोमेटिक जो मिक्सर है वो लेके आ गया था एंड सैंडविच जो मेकिंग के लिए मिक्सर चाहिए, मतलब जो मशीन चाहिए वो भी लेके मैं आ गया था, आप इधर देख सकते हो। एंड इसी साइड में मैं सोच रहा हूँ जो सैंडविच बनाने के बाद जहाँ पे सूख है सैंडविच, तो वो जो आलमारी रहता है ना, तो ये 2 जगह पे मैं बनाऊं, वही 2 जगह पे साइज से मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि उधर गैप भी है और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो रुको 1 मिनट, ये बुक तो हम खोल लिए हैं एंड देखो ये वाला, हाँ देखो ये छोटा छोटा सा है ना, तो साइज से मेरे को लगता है इसी जगह पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा साइज से, इधर तो 100 हो रहा है, रुको रुको 1 मिनट रुको यार, इधर थोड़ा सा, नहीं, रुको 1 मिनट, रुको 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 रुको, डिलीट कर दिया। चलो और एक बार अच्छे से बनाना पड़ेगा, पास में रहते हो वो थोड़ा सा, ये वाला जगह, नहीं, ये वाला जगह परफेक्ट है। हाँ एंड सेकेंड वाला यहाँ पे रखेंगे, 1 मिनट, हाँ ये देखो इधर ही एकदम परफेक्ट है ना। तो जल्द से जल्द इसको बिल्ड कर लेते हैं एंड ये मैं सोच रहा हूँ 3 नंबर और एक बना लूँ, मेरे पास मेटल साइज से हो जाएगा, आसपास में मेरे को थोड़ा जुगाड़ करना होगा लेकिन साइज से हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोगों का भाई कॉम्प्लेन होगा साइज से, इधर वॉइस का थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि मैं इंटरनल जो इधर कुछ भी मतलब हेडफोन फेडफोन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा बहुत इधर आपको परेशानी हो सकता है मेरे को पता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ 1-2 महीने के बाद मेरे पास जब इधर
मैं जो पैसा है पॉकेट मनी से थोड़ा इधर कलेक्ट कर रहा हूँ, एंड उसमें शायद से मैं इधर खरीद लूँगा एक माइक एंड एक हेडफोन ही मैं सोच रहा हूँ खरीद लूँ। वही अच्छा रहेगा क्योंकि हेडफोन से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उधर गेम भी अच्छे खासे एकदम चल जाएगा, तो यही एकदम सही रहेगा। तो चलो इधर ये जो मैं ऊंट लेके रखा था इधर, आप देखे ही थे उधर बहुत सारा ऊंट मैं काट के इधर लेके आ गया था, एंड ये देखो इधर ऊंट भी चाहिए एंड मेटल भी चाहिए, तो मेटल इधर है मेरे पास साइज है। तो चलो सबसे पहले मैं ये जो ऊंट है ऊंट इधर लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना चाहिए। रुको, तो चलो ये वाला बना दूँ या छोड़ दूँ इसको, वही सोच रहे हैं, इसको डिलीट कर देते हैं अभी। चलो ये दो ही अच्छा अभी अभी के लिए, मेरे साइज से जो मेटल है मेटल कम पड़ जाएगा इसीलिए मैं वो वाला चीज़ डिलीट कर दिया। हाँ तो देखते हैं, रुको सबसे पहले मेटल का काम कर लेते हैं, फिर देखेंगे मेटल बचेगा तभी मैं वो चीज़ करूँगा वो थर्ड वाला। हाँ तो रुको इसको देखो, ये बन चुका है, ये भी बन चुका है, तो और एक साइज से इधर हो ही जाएगा ना, मेरे पास मेटल है। चलो देखते हैं, तो ये वाला साइड एकदम परफेक्ट होगा। चलो हाँ एकदम परफेक्ट हुआ है ना, चलो तो इसको ही हम बना देते हैं। एंड भाई आप इधर कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मेरे इधर कुछ भी कलर नहीं किया हूँ, घर में बोलो फार्म में बोलो कुछ भी कलर नहीं है, तो मेरे को आप बताओ यार कौन सा कलर करना चाहिए इसमें, तो मेरे को भाई बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो इधर वो वाला जो ठाट वाला मैं बनाया हूँ अलमारी, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलो और चाहिए एक, चलो उधर होगा, हाँ एक ये बंडल ले लिया हूँ। चलो ये हाँ दिए, देखो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड इसको देखो भाई इधर छः छः छः, तो इधर 18 सैंडविच एक बारी में रेडी हो सकता है। तो मैं इधर क्या सोच रहा हूँ कि ये तो सिर्फ हो गया भाई मेरे घर के अंदर किचन एक बढ़िया सा, मैं सोच रहा हूँ बाहर में एक अल्टीमेट किचन बनाऊँ, उसमें भाई आप जितना हो सके उतना भाई आलमारी होगा, एंड जो चीज़ बनाने के लिए भी बहुत सारा आलमारी में बनाऊँगा, मतलब अल्टीमेट आप उधर बोल सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ वो बाद में बनाऊँ, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो वो बनाना चाहिए या नहीं। एंड ये देखो भाई छोटे छोटे पीक इधर, एंड पिछली बार मैं शायद से 4 पीक उधर मार के आया था, एंड आप देखो इधर ये भी पीक थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, एंड इधर ज़्यादा पीक नहीं है अब इधर देखो। तो मैं इधर एक काम करता हूँ, सबसे बड़ा पीक कौन सा है, मैं एक मेल पीक को इधर लेके चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे को उधर सैंगवेज भी बनाना है। तो एक काम करते हैं, रुको सबसे बड़ा पीक मेरे को देखना होगा। तो फाइनली दोस्तों ये देखो ये छोटा सा पीक आप बोल सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको हम पहले मारेंगे, एंड मारने के बाद मैं सोच रहा हूँ इसका ही सैंगवेज आज अच्छा खासा मिल जाएगा। तो रुको इसको ठोकते हैं, एंड ये देखो भाई मेरे वाल पूरा गंदा हो चुका है यार। चलो कोई बात नहीं, वॉल को हम पेंट कर देंगे, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये देखो बहुत सारा मतलब हो गया है अच्छा खासा, तो ये देखो ये वाला ऑटोमेटिक में गया, एंड ये देखो ये भाई मैं जब पहले खेलता था ना पहले वर्सन में, तब ये जो हाथ में घुमा के बनाना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत वाली बात है, बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ा बहुत जब पैसा हो गया था फिर मैं ऑटोमेटिक खरीदा था, तो मेरे को पहले जो गेम था ना पहले गेम में थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कैसे खेलना चाहिए ये वाला गेम को, तो हाँ अभी ये अच्छा खासा चल जाएगा मेरे लिए। तो ये देख सकते हो, तो ये मैं एक काम करता हूँ इसको इधर रखते हैं, एंड इधर एक चीज़ आराम से इधर रख देते हैं। चलो तो ये हो चुका है, एंड इधर मीट एक लेके आ जाते हैं। तो चलो इस साइड में देखते हैं कितना सारा इधर, देखो यार मिनिमम 24 होगा ये आसपास। ओ भाई इधर मैं स्टार्ट ही करना भूल गया, क्या ही बताऊँ। तो कोई बात नहीं इधर भाई हो रहा है, एंड रुको ये होने ही वाला है, एंड इसको अंदर इधर रखते हैं, एक अंडा इसके देना पड़ेगा अच्छे खासे, एंड चलो इधर सैंडविच के अंदर दे दिए।
तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो इधर मेरे जो रूम है, रूम के अंदर एक भी भाई लाइट नहीं है, सिर्फ बाहर में शायद से एक या दो है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, घर के अंदर भाई पूरा लाइट का काम कर दूँ, तो थोड़ा सा देखने में भी भाई थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा न्यू लुक आएगा। तो फाइनली दोस्तों इधर आप देख सकते हो पूरा ब्लू प्रिंट में इधर लगा दिया हूँ, एंड मेटल का काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। अब इधर देखो, तो सबसे पहले ये सारा काम कर लेता हूँ ब्लू प्रिंट के अंदर, इधर लगा देता हूँ मेटल, एंड ये देखो ट्यूबलाइट एक चार, एंड ऊपर में एक में लगाया हूँ जो छत के ऊपर हम जाते हैं ना, तो इसके दरवाजे के ऊपर मैं लगाया हूँ। तो देखो टोटल पांच लगाया हूँ, आप इधर देख सकते हो ट्यूबलाइट। तो रुको 1 मिनट, तो एक काम करते हैं इसको हम ऑन कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये देखो भाई लुक अभी भाई और एक बाकी है ऊपर में, तो ये रहा 5। आप देखो लुक देखो यार घर का, एक मतलब अलग ही लुक आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा भाई औसम लग रहा है। आप इधर देख सकते हो एक एक चीज़ इधर भाई डिटेल्स में आ रहा है, एंड ट्यूबलाइट का भाई ये वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा और ज़्यादा व्हाइट होता ना तो बहुत ज़्यादा मस्त लगता। ये भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, ये भी ठीक है। तो चलो ये काम करते हैं, इधर एक ही बाकी है ना, इधर रख देते हैं। तो इधर देखो यार, पूरा मैं काम ख़त्म कर दिया था, आपके साथ बात भी कर रहा था, एंड पूरा काम भी इधर ख़त्म कर दिया था। तो आप देखो ये अब पूरा सैंगोइच अलमारी के अंदर पूरा आराम से रह रहा है, तो इसको बंद कर दिया। एंड इधर देखो चीज़ देखो, यह थोड़ा सा बाकी है लेकिन हो जाएगा ये। चलो तो ये रहा भाई लुक, आज तो भाई बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, घर के अंदर भाई पूरा लाइट अच्छा खासा इधर लगा दिया हूँ, एंड और एक दो होता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन हाँ ठीक है इस साइड में एक भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ उस साइड में एक दे दूँ तो और भी अच्छा लगेगा। तो चलो मैं बाहर जाते हैं, एंड थोड़ा बहुत मेरे को काम करना है। तो फाइनली दोस्तों इधर मैं उधर सेल करके आ गया था, आप इधर देख सकते हो। तो इधर थोड़ा बहुत रुको 1 सेकेंड रुको, अंडा तो इधर मैं लेके आ गया हूँ, एंड ये देखो बाहर में मैं सोच रहा हूँ अभी लगाऊं ट्यूबलाइट या बाद में लगाऊं, लेकिन सबसे पहले मेरे को इधर भाई मिल्क निकालना है गाय से, तो चलो जल्द से जल्द इधर मिल्क निकालते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ आज का मौसम भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इधर घर के अंदर भाई बैठेंगे, उधर चाय समोसा खाएंगे, एंड भाई आराम से सो जाएंगे, क्योंकि इधर भाई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एंड भाई मैं थक भी चुका हूँ। तो लगातार मैं इधर 2 दिन से काम कर रहा हूँ, तो भाई अब समझ सकते हो यार 2 दिन से कोई बंदा काम कर रहा है तो भाई सिंपल सी बात है वो थक ही जाएगा। एंड मेरे इधर भाई ने एक इधर कमेंट किया था, एंड बोला था कि इधर भाई आप देखना है आपके पास इधर एक ही स्टोरेज है, आप इधर 2 या 3 बना दोगे तो बहुत अच्छा होगा पीक के लिए भी और आपके जो गाय है गाय के लिए भी। तो चलो इधर मैं दूध तो निकाल लिया हूँ, एंड उधर पनीर भी बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो अभी इसको मानने का कोई मतलब ये नहीं है, चलो ये बड़ा हो चुका है थोड़ा बहुत, और भी थोड़ा बड़ा होने दो फिर मारेंगे। तो चलो इसको पहले पनीर बनाते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, एंड मैं टॉम राइडर के जो वीडियो है वो सेकेंड पार्ट भाई बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि हफ्ते में एक ही आएगा, 30 मिनट या 45 मिनट ऐसे ही करके आएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, आई होप आप सब लोग भाई बढ़िया रहेंगे। तो चलो बाय बाय।